आकाश चोपड़ा के अनुसार टीम इंडिया के अगले मुख्य कोच लगभग तय हो गए हैं। नमस्कार, प्रशंसकों की समिति ने भारतीय टीम के लिए मुख्य कोच का चयन करने के लिए क्रिकेट सलाहकार समिति को नियुक्त किया है, क्योंकि वर्तमान कोच रवि शास्त्री और सहयोगी स्टाफ का कार्यकाल वेस्टइंडीज दौरे के बाद समाप्त हो जाएगा। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि कप्तान और यहां तक कि सीएसी के सदस्यों ने भी इस बात पर भी अपना मन बना लिया है कि टीम को आगे बढ़ने के लिए किसे नियुक्त किया जाना है। हाल ही में सुनील गावस्कर ने बीसीसीआई की चयन समिति को मुख्य कोच को चुनने के अधिकार की कमी और कप्तान विराट कोहली से काफी प्रभावित होने के लिए उनकी आलोचना की थी। अब पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने भी भारतीय कोच के चयन के मामले में अपनी राय दी है, जहां उन्होंने विराट कोहली का उल्लेख करते हुए कहा कि वह रवि शास्त्री को इस स्थिति में जारी रखना पसंद करेंगे। इस तथ्य के बावजूद कि भारत ने शास्त्री के नेतृत्व में 2015 विश्व कप, 2016 विश्व T20 और 2019 विश्व में तीनों ही ICC टूर्नामेंट के सेमीफाइनल हार का सामना किया है। चोपड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कप्तान ने अपनी प्राथमिकता बता दी है। सीएसी के सदस्यों में से एक टीम ने इंडिया के मुख्य कोच की स्थिति के लिए ऐसा ही किया है। एक बार फिर से उन सभी को शुभकामनाएं जो अभी भी आवेदन कर रहे हैं या पहले से आवेदन कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।